नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कोठियाल। खबर उत्तराखंड से है, जहां कोतवाली विकास नगर के अंतर्गत पड़ने वाले डाकपत्तर क्षेत्र से लगती यमुना नदी में अवैध खनन की शिकायत पर गए पुलिस कर्मियों पर नवाबगढ़ पुल नंबर 1 के ग्रामीणों ने दबंगई करने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि इन दिनों खनन का कार्य पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी यमुना नदी से इक्का दुक्का अवैध खनन की शिकायतें पुलिस को अक्सर मिलती रहती हैं, जिस पर पुलिस कार्रवाई भी करती रहती है। पुलिस का कहना है कि आज भी पुलिस को सूचना मिली कि यमुना नदी में कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, जिस पर डाकपत्थर बैराज पर तैनात 2 पुलिसकर्मी यमुना नदी में गए और वहां पर मौजूद ट्रैक्टर ट्रॉली वाले पुलिसकर्मियों को देखकर भागने लगे। पुलिसकर्मियों द्वारा उनके पीछे दौड़कर उनको रोका गया और ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर कोतवाली विकास नगर में लाकर जमा करवा दिया गया, जिसको पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में सीज भी कर दिया गया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि साहिब नाम का ड्राइवर अपने ट्रैक्टर लेकर सीमावर्ती क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में किसी क्रेशर प्लांट पर कार्य करने जा रहा था, तभी यमुना नदी में 2 पुलिसकर्मी आए और उनमें से 1 पुलिसकर्मी द्वारा ट्रैक्टर के ड्राइवर के साथ बुरी तरह से मारपीट और गाली गलौज की गई। ये कहूंगी कि अनीश को तो सस्पेंड ही करना चाहिए और इसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि इसने बहुत बुरा किया मेरे बच्चे के साथ। मैंने लाते ठोकने मारी, मेरे बच्चे के डंडे मारे। क्यों मारे? इन्हें खनन भरा था, ये खड़ा हुआ था वहाँ पे, इसने से बुलाया तब मारा इसने, इसकी क्यों मारा इसने, क्या मतलब मारने का है? और फिर अगर मतलब भर के बच्चे लाते भी हैं तब ये बेहतर तब लाते हैं भर के, क्योंकि इन्हें पैसे मिल जाते हैं खाने को वहाँ पे। क्या करेंगे आप? अब तो मुझे इंसाफ चाहिए बस। अगर यहाँ मुझे इंसाफ मिल जाए, हमें तो नहीं चाहिए नहीं यहाँ पे। ये बच्ची एक बार का वाक्य नहीं, खबर कितनी बार का वाक्य। अगर मौके पर आप जाके देखोगे वहाँ पे खाते खुली हुई है, कैसे खोदे भी ना खाते खुलवा रखी, वहाँ पे कैसे खनन चल रहा, किस तरह चल रहा, इनके पैसे चल रहे हैं, पैसे ले लेके चलवाते हैं खनन, क्यों चलवाते हैं, क्या मतलब है? अभी बच्चों को मारते हैं ट्रैक्टर लाया हमारा, वहाँ लड़के को मारा, वहाँ पे कम से कम 15-20 ट्रैक्टर हो रहे हैं, उन्हें भी लाओ ना, उनसे पैसा खा रखा है इन्होंने, क्या मतलब है? मोहम्मद साहिब खान। अच्छा, क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं, ड्राइवरी भी करते हैं। अच्छा, तो आज क्या मामला हुआ आपके साथ? आज मेरा ट्रैक्टर काफी दिन हो गए चल नहीं रहा था, तो मैं हिमाचल चला गया। मैं अपने दोस्त से बात की वहाँ पे जाने के लिए काम की, उसने बोला भाई तुम मेरे नाम से लिया, मेरे नाम से आप चलाता रहिए, क्योंकि वहाँ बाहर के ट्रैक्टर नहीं चलते। तो मैं वहाँ पे चला गया, इधर से कुछ ट्रैक्टर भाग के गए होंगे, 2 ट्रैक्टर थे ये, पता नहीं किसके होंगे, तो ये उनके पीछे भाग गया। मेरा ट्रैक्टर वहाँ पे लेबर मिला अनीश पुलिस वाला, मेरा ट्रैक्टर खड़ा था, दूसरों के पीछे भाग रहे थे, वो उत्तराखंड वाले हैं और हिमाचल में मेरा ट्रैक्टर लगा था, वहाँ पर मैंने क्रेशर लगा रखा है। आए और आते साथ मेरे को स्ट्रीट से उतारा, पकड़ के मारने लग गए, डंडे कहीं लाते। हिमाचल में था, हिमाचल में था जी, हिमाचल में चलता है मेरा ट्रैक्टर, 2 दिन हो गए वहीं पे चल रहा है। जो अनीश है ये कहाँ पर ड्यूटी है इनकी? इनकी डाकपत्र चौकी में। इन्होंने एक दिन पहले ही मेरे को मारा, डाकपत्र में घूमने गया था, इन्होंने तब भी मेरे को मारा। क्यों मारा था? उस दिन मैं एक गेट से निकल रहा था स्कूल, सोचा स्कूल के भाई स्कूल में जा रहा अंदर, इसने बोला अभी क्या हो रहा है यहाँ, मगर जी कुछ नहीं, इसने इतना बोला यहाँ इधर तूने जान कर रखी है ऐसे बोल रहा मेरे को, मैंने उसको मूवी सुनाया सॉरी बोल दिया मैंने, चलो भाई जी कुछ गलती हो रही हो तो। अब क्यों मारा आपको? अब इन्होंने ट्रैक्टर की वजह से मारा मेरे को, वहाँ पे ट्रैक्टर किसी और का था और खड़े हुए ट्रैक्टर में मारा मेरे को, उन्होंने देख के ये तो उत्तराखंड का। अकेला था या कोई और भी था? आया था बाद में 53 पर, इसने मेरे को पहले बहुत मार दिया, तब तक मार दिया था उसने, तब मैं बेहोश हो गया था। मेरे बड़ा भाई को मैंने फ़ोन कर रहा था उसको मैं, तो मेरे दोस्त ने भी सुने करा था उधर के नहीं कि भाई तेरे भाई को ऐसे कर दिया। अच्छा, मतलब आपको अवैध खनन के शक में मारा? जी शक में मारा इन्होंने, था कोई और। अच्छा, क्या कर रहे थे, कुछ बोला उन्होंने? कि इन्होंने अनीश ने, अनीश ने कुछ नहीं बोला, आते साहब उतारा ट्रेवी से और मारना शुरू कर दिया था मेरे को। पहले भी हुई ऐसी घटना? जी पहले इसने मेरे को डाक पत्थर मारा था। क्यों बोला था? कुछ गलती नहीं थी उस दिन भी, इसने बुलाया और बुला के एकदम मारना शुरू कर दिया, तब भी 2-3 थप्पड़ मार दिए, फिर मैं आ गया था वहाँ। क्या चाहते आप? मैं उसको चाहता हूँ यहाँ पे रहना चाहिए, सस्पेंड चाहिए मेरे को, उसके खिलाफ मेरे को सख्त कार्रवाई चाहिए। कहाँ से? हम विकास नगर पुल नंबर 1 से। जैसा आप यहाँ पर आज कोतवाली विकास नगर में है, क्या मामला है? सर वहाँ पे हमारे ट्रैक्टर जा रखे थे करेशर पे, ठीक है। कहाँ पर जा रहे थे? हिमाचल में जा रखे थे। अच्छा, ठीक है। और उसमें ही मेरा भतीजा था, ठीक है, वो ट्रैक्टर चला रहा था वहाँ पे, तो इधर के यहाँ के डाक पत्थर के और विकास नगर के, ठीक है, वहाँ पे दूसरे के इलाके में गए और उनके साथ मारपीट करी और इतना मारा उसको कि वो वहीं पे ही नीचे गिर गया, और फिर उसको लेके आए ट्रैक्टर पे बिठा के ज़बरदस्ती कि तू चलाएगा, उससे वो धीरे धीरे करके लेके आया, और वहाँ पे 15 ट्रैक्टर और भी थे जिसमें से 2 ट्रैक्टर पकड़े उन्होंने और 2 ट्रैक्टर लेके आए, तो उनसे पैसे खा रखा होगा या तो उनको छोड़े होंगे इसलिए, वरना तो सारे ट्रैक्टर। अनीस था, संदीप 53 है और अनीस।
देशद्रोही आदमी है, दोनों दोनों देशद्रोही आदमी है, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम। और हमें ना इस चीज का ना, ये उत्तराखंड, ये डाक पत्थर की पुलिस है, और जो ट्रैक्टर लेके आया वो पुलिस वाला था विकास नगर का। अच्छा, मारा कौन से पुलिस वाले ने? अनीस ने, अनीस डाक पत्थर वाले ने, जो वहाँ के चौकी में बैठता है। क्यों मारा, किस मामले में? खनन में ही के हाँ ट्रैक्टर भरे थे, जबकि ट्रैक्टर खाली थे, ट्रैक्टर खनन से भरा हुआ नहीं था। करेसर पे थे ट्रैक्टर और खाली ट्रैक्टर थे। इस चीज का हम प्रूफ भी दे सकते हैं, वीडियो भी दे सकते हैं। अगर जो उनके पास वीडियो है खाली करने की भी, तो वो हमें दिखाइए, ठीक है? तो आप यहाँ कोतवाली पे आ रखे हैं, तो आप क्या कार्रवाई उनके खिलाफ चाहते हैं? हाँ जी, हमें जवाब चाहिए। पुलिस ना गुंडागर्दी कर रखी है, और ये गुंडागर्दी और नहीं हम चलने देने के। अब चाहे बातें हैं और मारते हैं बच्चों को, ठीक है? अब हमें ऐसे नहीं करने देने के। बस उनके खिलाफ किस तरह की आप कार्रवाई चाहते हैं? कानून करेगा, कानून करेगा, या तो सस्पेंड करे, ठीक है, मुकदमा लिखा जाए उनके नाम, इंसाफ चाहिए। वहीं अन्य ग्रामीणों का कहना था कि यदि पुलिस को अवैध खनन की कोई कार्रवाई करनी थी, तो पुलिस को अधिकार है कि वह अवैध खनन में कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को बंद व सीज कर दे, लेकिन पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वह अवैध खनन की कार्रवाई के नाम पर किसी के साथ बेरहमी से मारपीट व गाली गलौज करे। पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट करने के विरोध में ग्रामीणों ने कोतवाली के समक्ष एक सांकेतिक मौन रूप से धरना प्रदर्शन किया, और मौके पर आए सीओ विकास नगर को एक लिखित शिकायत देकर इस पूरे घटनाक्रम से अवगत भी कराया। ग्रामीणों की मांग थी कि मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई उचित कार्रवाई की जाए, जिस पर पुलिस क्षेत्राधिकारी ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी, यदि पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी। सीईओ भूपेंद्र सिंह धोनी ने यह भी साफ साफ कह दिया कि यदि नदी में कोई भी अवैध खनन करता हुआ पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ भी पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाएगा। आज ये मामला कोतवाली में आया है, एक ड्राइवर को पुलिस के द्वारा मारा गया है, उस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए आप। हाँ, मैं आपको जानकारी पूरी दूँ। इसमें ये ड्राइवर ट्रैक्टर चालक है, ये लोग जो हमारे पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार अवैध खनन ये लोग कर रहे थे। इसमें हमारे जो है कांस्टेबल अनीस और एक दो लोग और, ये अपना गए, इन्हें जब सूचना मिली तो ये इन्होंने देखा, ये इन्होंने हिमाचल के ट्रैक्टर भगाए, उसने वहाँ से यहाँ सब इंस्पेक्टर को फ़ोन किया, फोर्स बुलवाया कि ना आ जाएँ, तो इसमें संभवतः दो ट्रैक्टर इन्होंने पकड़ लिए शायद, और एक भाग गया मौके से, उसको लेके ये लोग आए, उसमें उसके खिलाफ ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो इस दौरान ये पता चला कि इन्होंने जो लोग यहाँ आए थे, आरोप लगाया कि उसके साथ में कांस्टेबल अनीस के द्वारा मारपीट की गई है। तो उस संबंध में उन्होंने एक तहरीर दी है, उनका शिकायत पत्र हमने ले लिया है, उसमें हम जाँच करा रहे हैं, और यदि इस संबंध में पुलिसकर्मी द्वारा भी कोई प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो उसमें भी हम जाँच करेंगे, जाँच करने के उपरांत भी हम लोग इसमें कोई भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। राजीव खान, समाचार इंडिया। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।